हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनु। आप देख रहे हैं अनुज रेसिपीज। चलिए आज एक नई रेसिपी सीखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको टाइटल पढ़ के समझ में आ गया होगा कि आज हम मैगी नूडल्स बनाएंगे और उन्हें 6 महीने के लिए स्टोर करके रखेंगे, जिससे कि हमें जब भी मैगी खाने का मन करे या चाउमीन खाने का मन करे तभी हम उनको 2 मिनट में बना सकें। इसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा ली है, आधा चम्मच मैंने नमक लिया है और थोड़ा सा गर्म पानी लिया है। सूखी मैदा ली है मैंने डस्टिंग के लिए, जो हमें नूडल्स बनाने के लिए काम आएंगे। तो हम क्या करेंगे, मैदा मैदा में आधा चम्मच नमक मिलाकर और गर्म पानी से इसका थोड़ा सख्त आटा गूंद लेंगे और उस आटा गूंदने के बाद उसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे कि हमारा आटा सेट हो जाएगा। मैंने ये आटा पहले से ही गूंद कर तैयार कर लिया है। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मैदा पहले से ही गूंद कर तैयार कर ली थी, ये हमारी सेट भी हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सा और गूंद लेते हैं, इसे थोड़ा सा स्मूथ बना लेंगे, जिससे कि हमारे नूडल्स बनाने में हमें थोड़ी सी आसानी हो सके। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आटे को बिल्कुल सेट कर लिया है। अब हम इसको बेलेंगे। हमें आटा एकदम सख्त गूंदना है, जिससे कि हमें नूडल्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल पतली रोटी बेलकर तैयार कर ली है। अब हम इसके नूडल्स काटेंगे। हमने क्या किया है, एक भगोनी में पानी लेकर और इसमें स्टीम करने के लिए हमने पानी चढ़ा दिया है। इसमें हम अपने नूडल्स को स्टीम करेंगे। तो हमने यहाँ पर गैस ऑन कर दी है, तब तक हम अपने नूडल्स काट लेते हैं। बिल्कुल पतले पतले हम नूडल्स काटेंगे। पहले साइड से इसको बिल्कुल कट कर लेंगे यहाँ से, जिससे कि हमारे जो नूडल्स हैं वो इक्वल शेप में आए। इन साइड्स को हटा देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्केल लिया है, इसकी मदद से हम अपने नूडल्स बनाएंगे। इसे नूडल्स बिल्कुल इक्वल आएंगे। इस तरीके से इसको लगाएंगे और पतले पतले अपने नूडल्स कट करके हम तैयार कर लेंगे। जितने भी पतले मोटे हमको नूडल्स कट करने हैं उतने हम अपने अकॉर्डिंग इसको कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर का यूज़ किया है, आप चाहें तो नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से स्केल से कट करने से ये बहुत जल्दी कट जाते हैं और बहुत ही अच्छे नूडल्स बनकर तैयार होंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी होती है, बनाना भी बहुत आसान है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने सारे नूडल्स कट करके तैयार कर लिए हैं और हमारा जो पानी है वो भी गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नूडल्स को उठाएंगे एक एक करके, ताकि ये नूडल्स आपस में चिपके नहीं। तो थोड़ी सी मैदा हम इस पर डस्ट कर देंगे, उसके बाद हम इनको उठाएंगे। इससे क्या है, नूडल्स सारे चिपकेंगे नहीं। ये देखिए कितने कितने सुंदर नूडल्स बने हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। ये देखिए, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है इसमें इनको कट करने में, लेकिन जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए कितने अच्छे नूडल्स बनकर तैयार हुए हैं। हम सारे नूडल्स को इसी तरह से इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे नूडल्स को अलग अलग कर लिया है और मैं इनको 2 पोर्शन में मैंने इनको डिवाइड कर लिया है। इनसे हम 2 मैगी बनाएंगे। हमारा पानी भी गर्म होकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इनको उठाकर सबसे पहले अपनी जो प्लेट है जिसमें हम इनको स्टीम करेंगे उसको हम ग्रीस कर लेंगे, ताकि नूडल्स इस पर चिपके नहीं। और अब हम क्या करेंगे, ये जो नूडल्स हैं इनको उठाकर जिस भी शेप में हम बनाना चाहें उस शेप में इनको स्टीम होने के लिए रख देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इनको सेट कर लेंगे और अब हम इनको स्टीम होने के लिए इसके बर्तन के अंदर रख देंगे। बहुत ध्यान से रखिएगा। गैस को हम बिल्कुल फुल रखेंगे और इनको 5 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे।
फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं, हम अपने नूडल्स को चेक कर लेते हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और प्लेट को बाहर निकाल लेंगे। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम इन्हें फ्राई करेंगे। अभी हम इनको ठंडा होने देंगे, जब बिल्कुल ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे नूडल्स ठंडे होकर तैयार हो गए हैं और हमने ऑयल भी गर्म होने रखते हैं। हमें ऑयल बिल्कुल हल्का गर्म चाहिए, इसके लिए बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर हमें इन्हें फ्राई करना है एकदम क्रिस्पी होने तक। तो ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। बस हमें हल्का ही गर्म तेल चाहिए, अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। गैस को हम बिल्कुल कम रखेंगे, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर हमें इन्हें फ्राई करना है, बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हमें इन्हें फ्राई करेंगे। अगर गैस हम तेज रखेंगे तो ये जल्दी से गोल्डन हो जाएंगे और क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे जो नूडल्स हैं वो फ्राई होकर तैयार हो गए, एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। इन्हें अब हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नूडल्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए बिल्कुल मैगी नूडल जैसे ही बने हैं। अब आप इनको बिल्कुल ठंडा करके एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए और 6-7 मिनट तक आप इनको आराम से खा सकते हैं। इनका ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। फ्रेंड्स, हमने नूडल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप लोगों को नूडल्स कैसे बने ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।